इसराइल पर हमास के हमले के बाद से दुनिया एक और युद्ध जैसे हालात देख रही है। जबकि रूस यूक्रेन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी वजह से बीते करीब 18 महीनों से दुनिया बहुत ही ज्यादा उथल पुथल से गुजर रही है। हालिया संघर्ष का दुनिया के डिप्लोमेटिक पैटर्न और वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ सकता है, इस मसले पर कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। उनके मुताबिक हाल फिलहाल में ऐसे 4 घटनाक्रम हैं जिन पर ताज़ा हालात असर डाल सकते हैं। पहला, यूएन की बैठक में चीन रूस का रुख। हमास की ओर से ये हमला इन तनाव के मद्देनजर 50 सालों में सबसे बड़ी घटना है। हाल ही में अरब अपराइजिंग का मुद्दा पीछे चला गया था और अब ग्लोबल पॉलिटिक्स की सारी प्राथमिकताएं बदल दी गईं। हालांकि अब ऐसा लगता है कि अरब अपराइजिंग का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आएगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन और रूस का कैसा रुख रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि रूस और चीन किसी भी इसराइल समर्थक प्रस्ताव को पास होने देंगे। ये जाहिर है कि वो चाहेंगे कि इसराइल की आलोचना करने वाला एक प्रस्ताव लाया जाए। इस मसले के बाद अब्राहम अकॉर्ड के टिकाऊ होने पर भी सवाल उठे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास की प्रतिक्रिया देखें तो उन्होंने हमास को पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया, यानी फिलिस्तीनी लीडरशिप एकजुट हो गई है। देशों की प्रतिक्रियाएं क्या बता रही हैं? इस मामले में देशों की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ कह रही है। सऊदी अरब, कतर, यूएई की छवि ऐसे देशों के तौर पर हुई जो गल्फ देशों में हैं, जो तुलनात्मक रूप से प्रो इसराइल माने जाते रहे हैं, लेकिन हालिया घटना के बाद उनकी प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि उनको इसराइल की आलोचना करने या फिर उसे जिम्मेदार ठहराने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। एक तरह से ये उनकी बोली में एकदम बदलाव है। तो वहीं तुर्की ने इसराइल के प्रति खासी नरम प्रतिक्रिया दी है, नतीजे उसने दोनों के बीच बातचीत कराने की भी पेशकश की। ऐसे में लगता है कि इसराइल गल्फ का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अब पीछे चला गया है। तीसरा, हमास को नए इंटरनेशनल पार्टनर मिले हैं। घटना के बाद इसराइल की अभेद्य सुरक्षा पर सवाल उठे, लेकिन अभी गोरिल्ला वॉर की जो रणनीति हमास ने इस्तेमाल की वो कोई बड़ी रणनीति नहीं, बल्कि छोटी मोटी कमजोरियों का ही फायदा उठाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। ऐसा लगता है कि हमास को बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स का साथ मिला है। कहा जा रहा है कि इसमें रूस की ओर से मदद मिली। इसके अलावा उनके नए मिसाइल लॉन्चर के स्रोत के बारे में भी सवाल उठे। इसे मुहैया कराने वालों में ईरान, रूस और चीन में से कोई भी देश हो सकता है। हमास को इस तरह का समर्थन चिंता का विषय है और एक नया पैटर्न है। इस घटना के बाद हमास के साथी हिजबुल्ला अब एक्टिव मोड में है। चौथा, यूक्रेन के बाद डिप्लोमेसी की नई पिच। यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यूक्रेन के बहाने रूस और चीन ने अपनी पश्चिमी विरोधी रणनीति को बहुत धार दी, लेकिन अब यूक्रेन संघर्ष में रूस के लहजे से लगता है कि अब समाधान की ओर जा रहा है, क्योंकि रूस मान रहा है कि उससे वहां गलती हुई और अब पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अब हालिया तनाव पश्चिम विरोध की तरफ होगा और ऐसा ही कुछ अमेरिकी गुट भी करते दिखेगा। नए हालातों में रूस और चीन हमास को सपोर्ट करते दिखे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों देश अब बेहद अरब समर्थक और फिलिस्तीन समर्थक अप्रोच दिखा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसी तरह के कूटनीतिक तेवर अख्तियार किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।